पुस्तक का नाम प्रेम योग, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, ऑडियो 4। आकस्मिक घटनाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो भी ऋषि मुनियों के आश्रम का हाल पढ़कर भी इस सत्य की पूर्णतः पुष्टि होती जाती है। पूर्णकालीन ऋषि आश्रमों में शेर, चीते आदि हिंस जंतु भी आते थे और ऋषि से बोलने की बात तो दूर, वे अपनी स्वभाव विरोधी गाय और हिरणों से भी नहीं बोलते थे। उनके साथ उठते, बैठते और खेलते थे। इसका कारण और कुछ नहीं, ऋषियों का वह सच्चा प्रेम ही होता था जो जीव मात्र की मैत्री के रूप में उनके अंतर में प्रवाहित होता रहता था। उसी के संपर्क में आकर सारे जीव अपना द्वेष भाव भूल जाया करते थे। सांसारिक जीव ही नहीं, ईश्वर तक प्रेम के बस में हो जाता है। भक्त के बस में है भगवान, यह कथन आज नया नहीं है। यह युगों से अनुभूत किया हुआ एक सत्य है। जिन महात्माओं, संतों और साधुजनों ने भगवान की भक्ति की है, उससे निश्चल प्रेम किया है, उन्होंने भगवान को अपने बस में कर लिया है, उसे दर्शन देने के लिए मजबूर कर दिया है। तुलसी, सूर, नानक आदि संत इसके प्रमाण हैं। प्रेम का यह प्रभाव कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक तथ्य है। प्रेम की हिलोरें जिस मानस में उठती रहती हैं, जो सहृदय भक्त संसार के अणु अणु में अपने प्रेमास्पद परमात्मा को ही देखता है, उसकी आत्मा का स्तर असाधारण कोटि तक उन्नत हो जाएगा। उसमें समग्र दिव्य गुणों का विकास हो जाएगा। उसकी चरित्र और आचरण में आदर्शवाद का समावेश हो जाएगा, जिससे वह महान और पवित्र कर्म ही करेगा। समाज और आत्मविरोधी कर्म उससे हो ही नहीं सकता। ऐसे सुकर्मी और पवित्र भक्त पर परमात्मा स्वयं ही आसक्त हो जाता है और उसकी पुकार पर प्रकट होकर दर्शन देता है। यह प्रेम का ही प्रभाव है जो पाषाण को भी भगवान बना देता है। मूर्ति क्या है? पाषाण की एक प्रतिमा मात्र। उसमें अपनी व्यक्तिगत विशेषता कुछ नहीं होती, किंतु यही साधारण प्रस्तर प्रतिमा तब परमात्मा के रूप में बदल जाती है और वैसा ही प्रभाव संपादन करने लगती है जब भक्तों की प्रेम भावना उसमें समाहित हो जाती है। भक्त का प्रेम पाते ही पाषाण खंड अपनी शोभा, आकर्षण, तेज और प्रभाव में सजीव हो उठता है। प्रतिमा पूजन का तत्व ज्ञान यही है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा सामान्य जनों के लिए अज्ञेय और असाध्य होता है। उससे प्रेम किया जा सकता है, उसकी भक्ति की जा सकती है, किंतु यह भावना मानसिक अस्थैर्य के कारण निष्प्रभावी हो जाती है। मनुष्य की भावना एक आधार चाहती है, एक ऐसा अवलंब चाहती है जिसका सहारा लेकर वह ठहर सके और अपनी वांछित दिशा में विकसित भी हो सके। मानव की भक्ति भावना को आधार देने के लिए ही मूर्ति पूजा का आविष्कार किया गया है। युग युग से परमात्मा का प्रतीक के रूप में मूर्ति पूजन होता आ रहा है और लोग उस माध्यम से आनंद और सदगति पाते चले जाते हैं। इस प्रयोग में एक महान आध्यात्मिक तथ्य विद्यमान है। वह यह है कि जिस किसी में अपनी भावना का आरोपण कर प्रेम किया जाएगा, वह वस्तु चाहे जड़ हो या चेतन,
सजीव हो अथवा निर्जीव, व्यक्ति की भावना के अनुसार ही फलीभूत होने लगती है। मूर्ति पत्थर अथवा धातु की बनी एक निर्जीव प्रतिमा होती है, किंतु भक्त से परमात्मा की भावना पाकर वह उसके लिए भगवान ही बन जाती और तदनुसार ही फल देने लगती है। तथापि मूर्ति में यह विशेषता आती तभी है जब भावना के साथ अखंड आस्था और श्रद्धा का भी समावेश हो। प्रेम संसार का अमृत तो माना गया है, अमृत की तरह इसमें आनंद और अमरता का गुण होता है। प्रेमी का हृदय प्रतिक्षण आनंद से परिप्लावित रहता है और परमात्मा से सानिध्य पाकर वह अमर पद को पा ही लेता है। इसलिए इन दोनों स्थितियों को पाकर मानव जीवन सफल और सार्थक बनाने के लिए प्रेम की साधना करनी ही चाहिए। यह साधना अपने आसपास से प्रारंभ कर जीव मात्र को लेते हुए निखिल ब्रह्मांड तक विस्तृत की जा सकती है और प्रेम ही परमात्मा है इस तथ्य वाक्यांश को अपनी इसी जीवन में चरितार्थ कर मुक्ति और मोक्ष का लाभ उठाया जा सकता है। परमात्मा की प्राप्ति प्रेमी के लिए ही संभव। आध्यात्मिक उन्नति की परम अवस्था तथा ईश्वर प्राप्ति की अंतिम भक्ति अवस्था प्रेम है। भक्ति का स्वरूप भी निस्वार्थ प्रेम ही कहा गया है। इस विषय में कोई विवाद नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति के अन्य सभी साधनों में प्रेम का समावेश होना चाहिए। वस्तु कितनी ही सुंदर क्यों न हो, यदि उसके प्रति आकर्षण का भाव नहीं होगा तो ना तो उसी प्राप्ति का प्रयत्न ही हो सकता है और ना उस प्रयत्न में चिरस्थायी ही रहा जा सकता है। प्रेम का विकसित रूप ही आध्यात्मिक गुणों श्रद्धा भक्ति विश्वास आदि के रूप में प्रकट होता है, पर ईश्वर उपासना में उसे किसी न किसी रूप में प्रकट होना आवश्यक है। इसके बिना उपासना अधूरी है। सच्ची भक्ति तो प्रेम ही है, प्रेम ही परमात्मा का प्रकट स्वरूप है। प्रेम ईश्वर प्राप्ति की साधना की वह कसौटी है जिसमें तपकर जीव विशुद्ध बनता है और ब्रह्म से मिलन की स्थिति प्राप्त करता है। जीव और परमात्मा के बीच जो तादाम्य है वह अपने शुद्ध रूप में प्रेम द्वारा ही प्रकट होता है। प्रेम ना होता तो इस पृथ्वी पर लोगों को आध्यात्मिक तत्वों की अनुभूति भी न होती। यह स्थिति प्रारंभ में आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए विकलता विरह के रूप में प्रकट होती है, पर जिन्हें स्वाभाविक रूप में वह स्थिति ना हो और वे ईश्वर को प्राप्त करना अपने जीवन का उद्देश्य मान गए हो तो उन्हें भी प्रेम का अभ्यास करना पड़ता है। तब त्याग और सुख की इच्छाओं का दमन कर अंतःकरण में प्रेम प्रवृत्ति को जागृत करना पड़ता है। प्रेम जो मनुष्य का ईश्वर से संबंध स्थापित करता है उसे उसकी सत्ता के मूल स्रोत में पहुंचा देता है। जो वस्तु मनुष्य समाज को धारण किए रखती है उसके विकास और नैतिक उत्सर्ग में सहायक होती है वह प्रेम ही है। यदि मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम का आदान प्रदान न रहा होता और मानव जाति की प्रवृत्ति के रूप में प्रेम का प्रेरक भाव न होता तो नैतिक क्षेत्र में उसने कोई भी उन्नति न की होती। मनुष्य विकास क्रम में सृष्टि के अन्य जीवों की अपेक्षा बहुत पीछे है। संसार के अन्य प्राणियों में
जो नैतिक मर्यादाएं देखी जाती हैं वे ईश्वर प्रदत्त होती हैं। यदि मनुष्य के जीवन में प्रेम परिचालक रहा होता तो उसकी सारी नैतिक मर्यादाएं भंग ना हुई होती। स्वार्थ या छल कपट की अधिकता वाले प्रदेशों में आज भी इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। प्रेम विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सत्ता है। उसी के आधार पर मनुष्य समाज जीवित है। यह ना होता तो मनुष्य बड़ा दरिद्र और अविकसित रहा होता। उसे केवल अपना ही ध्यान रहा होता, अपने ही स्वार्थों की फिक्र रही होती, अपने सुख सुहाए होते। ना तो उसे समाज सेवा के लिए प्रोत्साहन मिला होता, ना व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम करने की प्रेरणा मिली होती। प्रेम की शक्ति का साम्राज्य आज सुव्यवस्थित और सुनियोजित विश्व के रूप में देखने को मिल रहा है। प्रेम के बगैर मनुष्य मुर्दा है। जब मनुष्यों में प्रेम का अभाव होगा तो कोई आकर्षण भी किसी चीज के लिए न होगा, और जब आकर्षण न होगा तो क्रिया भी न होगी, और यह सारा संसार नीरस, उदासीन और जड़वत हो जाएगा। इसलिए प्रेम ही जीवन है। ईश्वर उपासना में इस उदात्त भावना का दर्शन संसार के सभी धर्मों में पाया जाता है। भगवान को प्रेममय समझकर प्रेम मार्ग द्वारा उनकी साधना सभी देशों के भक्तों एवं साधकों में देखी जाती है। उपनिषद में भगवान को मधुब्रह्म कहा गया है। यह उसका विशुद्ध प्रेममय स्वरूप ही है। परमात्मा प्रेम द्वारा ही मधुर होता है। मधु चरण तीन ब्रह्म, जिससे मधु अर्थात प्रेम का विस्तार होता है, वही ब्रह्म है। अपने इसी रूप में वे भक्त के लिए, आराधक के लिए पुत्र, धन, आत्मीय, स्वजन और इससे बढ़कर प्रियतम हो जाते हैं। महापुरुष ईशा का कथन है, प्रेम ही परमेश्वर है। संत इमर्सन की वाणी है, परमात्मा का सार तत्व प्रेम है। सभी ईसाई संतों ने भगवान की साधना आनंद, मधुमय और प्रेममय रूप में ही की है। सेंट टेरेसा नामक पाश्चात्य साधिका ने लिखा है, परमात्मा के प्रति प्रेम होता है तभी सच्ची उपासना बन पड़ती है। आत्मा के उत्थान की यह प्रारंभिक अवस्था है। अंत में जीव और ब्रह्म का प्रणय संस्कार होता है तो दोनों एक दूसरे में आत्मसात हो जाते हैं। न जीव रहता है न परमात्मा, केवल प्रेम ही शेष रह जाता है। जो ब्रह्म के समान सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान दिखाई देता है। मुसलमानों में सूफी संतों की प्रेममयी भक्तिधारा बहुत प्रसिद्ध हुई है। इन संतों ने परमात्मा की उपासना प्रियतमा माशूक के रूप में की है और जीवात्मा को प्रेमी आशिक के रूप में माना है। इस प्रेम भक्ति का सुंदर प्रभाव जायसीकृत पद्मावत में भली भांति देखने को मिलता है। जलालुद्दीन भक्त बड़े संत हुए हैं। उन्होंने लिखा है, तुम्हारे हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम होगा तो उसे भी तुम्हारी चिंता अवश्य होगी। जिस प्रेम शक्ति का संतों ने, आध्यात्म तत्ववेत्ताओं ने इतना समर्थन किया है, वह मनुष्य जीवन में अवतरित होकर किस प्रकार उसे ब्रह्म की ओर विकसित करती है, यह जानने योग्य है। लोगों के अंदर अनेक बुरी वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, कुसंगति, चोरी, व्यसन आदि। इन्हें जीतने और दूर करने के प्रयास जीवन भर करते रहते हैं।
जीवन भर करते रहते हैं तो भी वे दूर नहीं हो पाती। मन स्वभावतः कुमारगामी होता है और वह किसी भी नियम बंधन को मानने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसी अवस्था में लोग यह मानकर निराश हो जाते हैं कि इन बुराइयों से बचने का कोई उपाय नहीं है। पर यदि मनुष्य के अंतःकरण में प्रेम जागृत हो सकता है तो उसे उन्हें जीतने में कोई कठिनाई नहीं होती। प्रेम के लिए कुछ उत्सर्ग करने में या अभावग्रस्त जीवन जीने में तो आनंद है। मनुष्य का मन प्रेम का गुलाम है। प्रेम की शक्ति के सहारे उसे जिस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए वह उसी पर चलने को तैयार हो जाता है। प्रेम ही मानव जीवन के उत्थान का आध्यात्मिक रहस्य है। असीम सुख की प्राप्ति के लिए प्रेमी अपने आप को खुलाता है और इसमें उसे एक अनिर्वचनीय तृप्ति मिलती है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप अपने आप को प्रेमी के प्रति आत्मोत्सर्ग करना ही तो है। इसका उदात्त रूप बच्चे के प्रति माता के वात्सल्य में दीख पड़ता है। प्रेमवश माता बच्चे के ध्यान में अपने आप को बिल्कुल विस्मृत कर देती है। उसे अपनी सुख सुविधा, विश्राम, निद्रा और भूख प्यास की भी कोई सुध नहीं रहती। इस उपासना में ऐसा प्रेम जागृत करने के लिए इष्टदेव से मिलने के लिए तीव्र और अदम्य इच्छा जागृत करनी चाहिए। साधारण मनुष्य के प्रेम में जब लोग इतने विभोर हो जाते हैं तो ईश्वर के प्रेम में ऐसा क्यों ना होना चाहिए। पर इसके लिए हमें भी त्याग और बलिदान के लिए उसी भावना से तैयार रहना होगा जिस प्रकार अपने प्रेमास्पद का मुख देखने को तरसते हैं और उसके सामने अपनी विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति, पद, यश सबको तुच्छ मान लेते हैं। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि परमात्मा के शुद्ध प्रेम के लिए अपने आप में, अपनी आत्मा में, अपने बच्चों, अपनी धर्मपत्नी, घर, गांव, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानव भाइयों के प्रति असीम प्रेम विकसित करना चाहिए। यथाशक्ति उनकी सेवा और त्याग भावना द्वारा निष्काम प्रेम, वासना और कामना रहित प्रेम बढ़ाना चाहिए। इस विकास के मार्ग पर जितना अपना अहम भाव नष्ट होता जाएगा हम उतना ही परमात्मा की सत्ता में समाते चले जाएंगे। इसी प्रेम के अभ्यास में परमपिता परमात्मा की समीपता का सौभाग्य प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि परमात्मा का द्वार प्रेमी भक्तों के लिए सदैव ही खुला रहता है।